On behalf of the National Forum of the BJP, we would like to say with full sense of responsibility that after being rebuffed by the people of India, the Congress Party, its allies, and its closest allies, the Toolkit Gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं क्या वर्ल्ड बैंक क्या मोदीज क्या अदर्स सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल एफआईआई एफडीआई आए हैं भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं छोटे इन्वेस्टर भी हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं इंडिया इज ए सेफ स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर एज वेल सेबी का काम क्या है सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं आपको मालूम है कि सेवी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है निर्णय होता है उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है जहां जजेस भी बैठते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है तो एक पूरा स्टेच्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए अब मैं एनार्की के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं मैंने जानबूत के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनार्की के शब्दों का प्रयोग किया है पहले हिडन में की रिपोर्ट आई थी आपको मालूम है उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी बाद में एक और कंप्लीट हो गई तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है अच्छा होता जो राजीव गांधी या कांग्रेस के लोग जेपीसी जेपीसी की बात करते हैं बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ तो पेश हो जाते हैं उसी में इंटरवेंट करते उसमें कुछ नहीं किया उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में आप जवाब दीजिए हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बकायदे सेवी ने एक नोटिस किया जुलाई में अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के दुर्क्षण में हुई थी उनके आदेश के कारण हुई थी तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने अटैक किया है बेसलेस अटैक जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है हमें कुछ नहीं कहना है जिसका जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया उनके परिवार ने दिया मैं कुछ नहीं कहना है जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है जॉर्ज सोरोस का यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपोगेंडा चलाते हैं इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया सेफ नहीं है वगैरह वगैरह और इस हद तक है कि मोदी के पूरे आ, आ, सत्ता को बदलना चाहिए आह्वान किया था जनता से यह वहां मेन इन्वेस्टर है लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं आप चाहते क्या है आप देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है इन इंडियर पैथोलॉजिकल हेटेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी लेड मिस्टर राहुल गांधी एंड इज फ्रेंड्स टूल किट गैंग्स कांग्रेस पार्टी टूडे इज डेवलप्ड डिवेलप्ड हेटेड अगेंस्ट इंडिया इट अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात बाकी बातें कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए नेहरू जी के समय वाला जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिंहा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था एफडीआई में एफआईआई में क्या वही जाना चाहते हैं क्या टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं देते रहेंगे कभी सफल नहीं होंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है जिन्हें पचपन साल तक देश में राज किया है क्या मतलब है इसका मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है दूसरा है चिट पॉलिटिक्स परीक्षा में तो चिट मिलती है कार्रवाई भी हो रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए तभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने वो सुप्रीम कोर्ट से हारे माफी मांगना पड़ा कंटेम हुआ उनके खिलाफ फिर एक दूसरी चिट मिल गई हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट वो चिट मिल गई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंने बताया कि 24 में 24 चौबीस में तेईस इंक्वायरी कंप्लीट हो गई अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है तो फिर काउंटर प्रोडक्ट हुआ अब ये चीट पड़ गई जेपीसी लाओ इंक्वायरी कराओ मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ भारत में कोई आर्थिक निवेश ना हो विदेश का एफआईआई और एफडीआई वो सबको रोको बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजिशन